आपका स्वागत है गांगुली टेक पर, मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि पीएचपी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो क्या होता है। तो यहां पर देखिए मैं नेटबीन्स आईडी का यूज कर रहा हूं, इसमें मैंने एक पीएचपी का प्रोजेक्ट बनाया है और उसके अंदर मैंने दो पीएचपी के फाइल क्रिएट किए हैं। सबसे पहला है इंडेक्स डॉट पीएचपी और इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल के अंदर मैंने बेसिक सा कोड लिखा हुआ है और उसके बाद मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास डॉट पीएचपी करके एक फाइल बनाया जिसके अंदर फिलहाल कोई भी कोड नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होता है जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। अब फिर यहाँ से सवाल उठता है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है। तो अगर आप लोगों ने इंटरफेस पढ़ा है तो इंटरफेस पे आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने किस तरीके से फंक्शन का जो है सिर्फ प्रोटोटाइप बनाया था, तो सेम वही चीज जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब करना कैसे। तो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए आपको जो है एब्स्ट्रैक्ट लिखना होगा, ये पीएचपी का कीवर्ड है, उसके बाद आप क्लास लिखिए, उसके बाद क्लास का जो भी नाम रखना चाहते हैं वो रख दीजिए। फिर आप क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स लगा देंगे, एंटर दबा दीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना होगा। ये करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना है और आपको पता है मेथड जो होता है फंक्शन होता है, फंक्शन बनाने के लिए हमारे पास जो कीवर्ड है वो फंक्शन वाला है, तो हम लोग वो लिख देंगे और उसका जो भी आप इसका नाम रखना चाहते हैं इस मेथड का, एब्स्ट्रैक्ट मेथड का जो भी आप नाम रखना चाहते हैं वो रख दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड रख दिया, फिर मैंने पैरेंथेसिस लगा के इस फंक्शन के फंक्शन पैरामीटर में दो वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए, एक है ए दूसरा है डॉलर बी, और फिर मैंने सेमी कॉलन लगा दिया। तो इस तरीके से जो है आपको एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम लोग आप कुछ नॉर्मल मेथड भी बना लेते हैं, जैसे कि आप अभी तक जो है मेथड्स या कहें फंक्शंस बनाते हैं क्लास में जिस तरीके से, वो हम लोग बना लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पर आप देखिए कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड का सिर्फ हम लोगों ने प्रोटोटाइप ही बनाया है, बॉडी नहीं क्रिएट किया। इसका बॉडी उस क्लास में क्रिएट करेंगे जो क्लास इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करेगा, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने एक फंक्शन लिखा और एक और जो है मैंने फंक्शन इस तरीके से बना लिया, यानी कि फंक्शन का मतलब मेथड और इस मेथड का नाम मैंने मैसेज रख दिया। इसके अंदर मैंने जो एक नॉर्मल से टेक्स्ट दे दिया, जैसे कि हेलो फ्रॉम मैसेज मेथड, मैंने यहाँ पे लिख दिया मैसेज मेथड फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट क्लास, मैंने इस तरीके से क्लास लिख दिया, फुल स्टॉप लगा दिया और HTML का जो लाइन ब्रेक वाला टैग होता है वो लगा दिया, सेमी कॉलन लगा दिया। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि मैं जो इस टेस्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर भी बना लेता हूँ, कि मैंने लिखा कि फंक्शन अंडरस्कोर जो है कंस्ट्रक्टर, मैंने इस तरीके से लिख दिया, कंस्ट्रक्टर बन गया इस टेस्ट क्लास का। और फिर मैं इसके अंदर भी जो है कुछ जो है टेक्स्ट मैं लिख देता हूँ कि न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फ्रॉम टेस्ट फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टेस्ट क्लास, तो मैं एब्स्ट्रैक्ट टेस्ट क्लास मैंने फिर से लिख दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, लाइन ब्रेक वाला जो है टैग ऐड कर दिया, सेमी कॉलन लगा दिया। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक वेरिएबल भी बना लेते हैं। और ये सब चीजें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये भी बताऊंगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो कई जगह पूछा जाता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास और जो इंटरफेस में डिफरेंस क्या, तो ये सब समझाने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तो मैं एक वेरिएबल भी बना लेता हूँ, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर लिखना होगा जो कि मैंने पब्लिक दे दिया, फिर मैंने डॉलर लगाया और वेरिएबल का नाम मैंने लिख दिया जो कि मैंने नेम रख दिया, उसमें मैंने कुछ वैल्यू स्टोर कर दी, जैसे मैंने संदीप स्टोर कर दिया, और फिर मैंने क्या किया सेमी कॉलन लगा दिया। तो ये जो है इस तरीके से आपको एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है। और मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कि आप देखिए इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया और उसके बाद हम लोगों ने नॉर्मल तरीके से भी मेथड बनाया, तो जरूरी नहीं है कि आपको ये काम करना ही है। अगर आप चाहे तो सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही बनाए, बाकी चीजें बनाने की जरूरत नहीं है, और अगर आप बनाना चाहते तो बना सकते हैं। अब बात आती है कि इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मैं जो है एक जो डिफरेंस होता है एक जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास से जो है आप ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो है आप ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, इसको आपको हमेशा इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी का यूज करके ही यूज करना होगा। तो ये कैसे करना है वो देखते हैं। तो अब मैंने फिर से एक क्लास बनाया जिसका नाम मैंने जैसे मान लीजिए मैंने फर्स्ट रख दिया यहाँ पर, और हमें इनहेरिटेंस करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे एक्सटेंड्स कीवर्ड का आपको यूज करना होगा, एक्सटेंड्स का ये एक्सटेंड्स आ गया। उसके बाद कौन से क्लास को एक्सटेंड करना है, हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसका नाम है आपका टेस्ट उसे हमें करना है, तो हम लोगों ने यहाँ पे टेस्ट वाला जो क्लास है वो लिख देंगे और फिर हम लोगों ने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए। तो ये देखिए फर्स्ट क्लास ने जो है टेस्ट क्लास को जो इनहेरिट कर लिया,
टेस्ट वाला जो क्लास है वो आपका सुपर क्लास है, फर्स्ट वाला जो क्लास है वो आपका सब क्लास है। अब आपको यहाँ पर कुछ एरर दिखाई दे रही होगी। एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसका नाम ऐड है, उसका हम लोगों ने अभी तक बॉडी क्रिएट ही नहीं किया, तो उसकी बॉडी हमें क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको सिर्फ जाना है फंक्शन लिखना है, फंक्शन का नाम लिखिए, जो आपको जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसका नाम लिखिए जो कि यहाँ पे ऐड है। तो ये देखिए आपका फंक्शन का बॉडी क्रिएट हो गया, जैसे ये हो गया तो एरर हमारी रिमूव हो गई। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऐड करके जो मेथड है ये क्या करेगा, जब इसको कॉल किया जाएगा तो उसमें दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए जाएंगे और दोनों ही इंटीजर टाइप की वैल्यू होंगी, और उन दोनों को ऐड करके ये जो फंक्शन जिसका नाम है ऐड, वो उन वैल्यू जो एडिशन के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको रिटर्न कर देगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे रिटर्न लिखा और उसके डॉलर ए प्लस डॉलर बी हम लोग सेमी कॉलर लगा दिया, तो ये कंप्लीट हो गया। और ये कंप्लीट हो तो देखिए सारा एरर वगैरह सब कुछ गायब हो गया। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपके एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड यानी कि फंक्शंस मौजूद है तो उन सब का बॉडी जो है आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा। और याद रखिएगा जब किसी क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट जो मेथड होता है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, तभी आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जो है क्लास के साथ लगाना है, तो ये भी चीज आपको याद रखना है। अब जो बाकी के फंक्शंस है उनकी तो बॉडी पहले से ही क्रिएट है तो उनका तो हमें कुछ करना ही नहीं है, तो हम लोग उसे छोड़ देते हैं। अब हम लोग अपने index.php वाले फाइल पे आते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस जो फर्स्ट करके जो क्लास है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम लोग ये ऐड वाला जो मेथड है इसे कॉल करेंगे, फिर हमारे पास जो मैसेज करके मेथड है उसे हम लोग कॉल करेंगे, और हमारे पास जो ये पब्लिक करके जो ये वाला वेरिएबल है इसे भी कॉल करेंगे। और हाँ, अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहते हैं तो ये करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप जो है अपना जो ये फर्स्ट वाला जो क्लास है इसका कंस्ट्रक्टर बनाइए। इसके लिए आपको वही सेम फंक्शन लिखना है, दो बार अंडरस्कोर कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाइए तो ये आपको ऑप्शन दिखा देगा, कंस्ट्रक्टर का ये सिलेक्ट कर लीजिए और पेरेंट दो बार सेमी ये कॉलर लगाना है और दो बार अंडरस्कोर करके कंस्ट्रक्ट लिखना है। ये कोड लिखने से क्या होगा, ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर मौजूद है उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब हम लोग index.php वाले फाइल पर चलते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले जो क्या काम करना है, हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है फर्स्ट क्लास का। याद रखिएगा फर्स्ट वाला जो क्लास है उसका हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है हमारे पास जिसका नाम टेस्ट है हम लोग उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। तो हम लोगों ने डॉलर एफ लिखा, न्यू लिखा, और कौन से क्लास से बना रहे हम लोग, फर्स्ट वाले से, तो हम लोग उसका नाम लिख दिया, इस तरीके से जो पेरेंथेसिस लगा दिया, सेमी कॉलन लगा दिया और उसके बाद हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम लोग डॉलर लिखेंगे, एफ लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, ग्रेटर देन का सिंबल लिखेंगे और जो मैसेज वाला मेथड है उसे कॉल करेंगे, और ये जो मैसेज करके जो मेथड है ये आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है आपके पास जिसका नाम टेस्ट है उसमें मौजूद है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर इको लिखते हैं और उसके बाद डॉलर लगाते हैं, एफ लगाते हैं, माइनस, ग्रेटर देन का सिंबल, उस वेरिएबल को एक्सेस करते हैं जिसका नाम नेम है, इसको भी हम लोगों ने एक्सेस कर लिया, और फिर हम लोगों ने यहाँ पर जाके दिया टैग ऐड कर दिया एचटीएमएल वाला, सेमी कॉलन लगा दिया। तो ये देखिए हम लोगों ने जो क्या किया, फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, फिर फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करके एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मौजूद जो मेथड है जिसका नाम मैसेज है उसको एक्सेस कर लिया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मौजूद जो वेरिएबल है जिसका नाम नेम है उसको भी एक्सेस कर लिया। अब हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड बच गया जिसका नाम है ऐड, उसे हमें एक्सेस करना है। तो ये करने के लिए आपको क्या करना है, ये करने के लिए आप करिए लिखे इको डॉलर एफ लिख दीजिए, माइनस, ग्रेटर देन का सिंबल, आपको कौन सा वाला ऐड वाला कॉल करना है, ऐड वाले को कॉल करिए, इसके अंदर आपको दो आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं, दोनों ही इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी, तो हम लोगों ने यहाँ पे दो वैल्यू जिस तरीके से दे दिए, सेमी कॉलन लगा दिया और ये सारा जो काम है आपका कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे रन करते हैं। रन करने के लिए आपको ग्रीन वाले बटन पर क्लिक करना है, इससे आपका वेब ब्राउजर ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं सारा का सारा जो कोड है वो आपका आउटपुट में आ गया। सबसे पहले क्या हुआ, आप देखिए सबसे पहले जो है जब यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उससे क्या है, जो फर्स्ट क्लास में जो आपका जो कंस्ट्रक्टर मौजूद है वो एग्जीक्यूट हुआ। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोगों ने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया था, तो इससे क्या हुआ, ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के नाम टेस्ट है उसके कंस्ट्रक्टर में जो भी कोड था वो आपका आउटपुट में आ गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट क्लास आ गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, उसके बाद जो है हम लोगों ने मैसेज वाले फंक्शन को कॉल किया था, तो इससे क्या हुआ, आपका जो मैसेज वाले फंक्शन में जो भी डेटा था वो आपका आउटपुट में आ गया।
फिर हम लोगों ने वेरिएबल को जो है कॉल किया था, तो वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर थी वो आउटपुट में आ गए। फिर हम लोगों ने ऐड वाले फंक्शन को कॉल किया, तो उसमें क्या हुआ, उसने इन दोनों नंबर को लिया, इन दोनों को ऐड किया, जो भी रिजल्ट था वो हमें रिटर्न में दे दिया, जो रिजल्ट था वो 167 था, वो आपका रिटर्न में आ गया। तो इस तरीके से आपको यूज करना है। तो अब हम लोग जो है मेन चीज की बात कर लेते हैं कि इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफरेंस क्या है। तो देखिए इंटरफेस में क्या होता है, सिर्फ आप फंक्शन का प्रोटोटाइप बना सकते हैं, बॉडी तो नहीं बना सकते वो तो है ही, लेकिन सिर्फ फंक्शन प्रोटोटाइप ही हो सकता है। उसके अंदर इंटरफेस के अंदर आपको इस तरीके से मेथड नहीं बना सकते जिसकी बॉडी आप क्रिएट कर दें या वेरिएबल बना दें, तो ये काम नहीं कर सकते जो कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कर सकते हो। तो ये एक डिफरेंस हुआ। दूसरा ये है कि जब आप इंटरफेस को इनहेरिटेंस करते हैं, इनहेरिट करते हैं किसी दूसरे क्लास में, तो कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, इंप्लीमेंट्स। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के केस में आप इंप्लीमेंट्स का नहीं यूज करते, एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस है, तो उसको भी आपको याद रखना है। तो ये जो था ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में, ये इस तरह की चीजें ऐसे यूज करना है। अब अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।